नमस्ते। आइए ना, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आइए ना। प्रणाम अंकल। हाँ आओ अशोक, आओ बैठो बैठो। और क्या हाल चाल है? हाल चाल बहुत अच्छे हैं अंकल जी। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अंकल पारो की शादी फिक्स हो गई है, आप सबको आना है। ओहो क्या बात है। मेरे दोस्त की बेटी इतनी बड़ी हो गई, वाह वाकई में खुशी है। थैंक यू बेटा। थैंक यू। वैसे अंकल आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो क्या बात है। अभी आपको अपनी बहू के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे अंकल इसे कब तक घर पर ऐसे बिठा कर रखेंगे, पूरे समाज में बातें हो रही हैं। आपको अपनी बहू की ना दूसरी शादी कर देनी चाहिए। तो लोगों के कहने से मैं अपने तौर तरीके बदल दूं? नहीं अंकल वो बात नहीं, जमाने के हिसाब से चलने में ही समझदारी है। अगर आप कहें तो मैं किसी को ढूंढ लूं। तुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ अपनी बहन की शादी में ध्यान दे और दूसरों के मसलों में अपने आप को मत घुसा। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज होती है। अरे हमारे जमाने में तो विधवा बहुएं सती हो जाया करती थी। रही बात लोगों की, तो उससे मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी बहू मेरे बेटे से शादी किया तो पूरी जिंदगी इतना उम्र चाहे विधवा ही सही यही रहेगी। अरे अंकल मैं तो बस। क्या मैं तो बस? तुम कार्ड के बहाने ये सब बातें करने आते हो? इन्विटेशन कार्ड तक तो ठीक है बात, लेकिन आइंदा मेरे बहू के बारे में बात की शादी की तो मैं भूल जाऊंगा, तू मेरे मित्र का बेटा है, समझा? सपने लेकर आई थी इस घर में, और क्या हो गया मेरे साथ। बस इस घर में ही मेरी शायद पूरी जिंदगी कटेगी, और कर भी क्या सकती हूँ मैं। बहू जी ना मुझे कहीं जाने देते हैं, और शादी की बात करो तो गुस्सा हो जाते हैं। मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो खुश रहने का हक है कि नहीं। पर नहीं, ये सब किसी को नहीं दिखाई देता। हेलो बाबूजी। हाँ बेटी, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद अर्जुन आएगा घर पे। अर्जुन? अरे मेरा दूर का रिश्तेदार है सुभाष, उसका बेटा है, नौकरी के लिए आया हुआ है बम्बई, तो उसको तुम गेस्ट रूम में ठहरा देना, ठीक है बेटा? ओके ओके ठीक है बाबूजी। घर तो काफी अच्छा है। वैसे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? मैंने आपसे आपी का नाम नहीं पूछा। मेरा नाम नीलिमा है। नीलिमा, वाओ कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपे की तरह। थैंक्स। एक्चुअली मैंने देखा कि आपका मूड कुछ अच्छा नहीं था, तो सोचा बात करके चेयर अप कर लो। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ मूड ठीक करने के लिए था या फिर सच में मैं डिजर्व करती हूँ? अर्जुन कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता, और वैसे भी कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिलता है जो डिजर्व करते हैं। ये फ्लर्टिंग तुम सबके साथ करते हो या फिर मैं स्पेशल हूँ कुछ? चलो तुम्हारी साइड वाले चेहरे पे हंसी तो आई। मुझे सच में इसकी जरूरत थी, थैंक यू।
यही तो खूबी दी है भगवान ने, लड़कियों की हर जरूरत मुझे मालूम पड़ जाती है। वैसे अंकल कब तक आएंगे? वो आने वाले होंगे, रास्ते में हैं। अच्छा आपसे एक बात पूछूं, आप उनकी बेटी हो? मैं उनकी बहू हूँ। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या हुआ, फ्लर्टिंग भूल गए मेरी सच्चाई जानकर? मुझे किसी के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नीलिमा बेटा तुम कब उठी? अभी थोड़ी देर पहले बाबूजी। अच्छा अर्जुन अच्छे से सेटल तो हो गया है ना? हाँ वो ठीक से सेटल हो गए हैं। बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा, मुझे फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी बाबूजी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात मेरे सामने करने की? मेरा बेटा तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम उसके लिए अपनी जिंदगी नहीं दे सकती हो? क्या मैंने आपके बेटे से प्यार नहीं किया? पूरी जिंदगी दे दी मैंने उसको, पर सच्चाई यही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं दिया? आपके बीमार बेटे से शादी की थी मैंने, उसी टाइम मुझे सोच लेना चाहिए था, उसी टाइम मुझे डिसीजन लेना चाहिए था, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। खुश नसीब हो कि अभी तक तुम जिंदा हो, और कोई होता तो शर्म से अपने आप को मार देता। तुम मनुष्य हो, मेरे बेटे को खा गई। कपड़े पहनती रहूंगी मैं भैया, मुझे भी जिंदगी जीनी, मुझे भी पार्टनर चाहिए। अब तो हार नहीं जी सकती मैं। अर्जुन बस अब और नहीं सहा जाता मुझसे, तुम्हें मालूम है जब से अक्षय मेरी जिंदगी से गया ना, सारी खुशियां छिन गई हैं, सारे रंग छिन गए हैं मेरी जिंदगी के। मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी, मुझे दोबारा मौका दो, मुझे निकालो इस जिंदगी से। नीलिमा मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम्हें पिछले कुछ सालों में नहीं मिली। तुम्हें मालूम है अक्षय के चले जाने के बाद मैंने क्या क्या नहीं सहा, लोगों के मुंह से अपने बारे में क्या क्या नहीं सुना मैंने, लोग मुझे किस नजरों से देखते थे ये तो बस मुझे ही मालूम है। मुझे सब पता है नीलिमा, और अंकल से मैं खुद बात करूंगा, अगर वो मान गए तो ठीक, वरना मैं कुछ भी करके तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। और उनका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी जीने से। Thank you.
आज सारी मर्यादा को लांघ दिया है। आज उसने अपनी नीचता दिखा दी है। बस बहुत हो गया अब, मैं उनको जीने नहीं दूंगा। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आज बहू और उसके घटिया आशिक को मरना होगा। तूने आज मुझे बाबूजी कहने का हक खो दिया है, अब तो मेरे लिए कुछ नहीं रही। अंकल मैं, तू तो चुप ही रहे, मदद के नाते तुझे यहाँ रहने दिया और तूने सांप बनकर मुझे ही डसा। खैर, इस हरकत की सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। इन्होंने अपराध की सजा मौत है, इसलिए तुम दोनों को मरना ही होगा। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं या कोई और नहीं मारेगा तुम्हें, बल्कि तुम दोनों एक दूसरे को खुद खत्म करोगे। पर हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये वीडियो हर जगह पहुंच जाएगा, हर घर में फेमस हो जाओगे तुम दोनों, हर जगह तुम्हारे ही चर्चे होंगे। हाँ, इसमें मेरा भी मजाक बनेगा, पर इसमें सबसे बड़ा मजाक तुम दोनों बनोगे। और इसको तो सब नीचता की नजर से देखेंगे, जो एक पत्नी होकर किसी गैर मर्द के साथ ऐश करने में लगे रही। मर्जी तुम्हारी होगी, जीवन भर ताने सुनो या फिर आसान मौत सेलेक्ट करो। दुनिया वाले हमारे प्यार करने वालों को कभी नहीं समझेंगे। मर तो सकते और रीति रिवाजों की जीत हुई। आज फिर यह साबित हो गया कि जो भी इस रीति रिवाज के खिलाफ जाएगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी बेचारी बहू